चलिए नमस्कार प्रणाम। तो मैं एक ऐसा वीडियो मतलब इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे एक ड्राम है, ड्राम में तेल है, मिट्टी तेल, और मिट्टी तेल को ये मशीन चालू नहीं हो रहा है। तो इसको चालू करने का नया विधि देखिए, यहाँ पे माचिस से लगाया जा रहा है। ये देखिए ये माचिस से लगाया जा रहा है आग, अब इसमें आग लगा दिया जा रहा है। ये मशीन जो था रात भर ठंडा गया था, इसके वजह से चालू नहीं हो रहा है। तो इसको चालू करने का अलग विधि लगा रहे हैं, तो मैं विधि दिखाना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से अपना मशीन को चालू कर सकते हैं यदि आपका मशीन भी ठंडा हो गया हो तो। ये देखिए इसमें आग लग चुका है, अब एक भाई इसको पकड़े हैं, आप देखिएगा किस प्रकार से हो रहा है। और ये देखिए किक मार रहे हैं हैंडल, मैं इधर से भी जो दिखा रहा हूँ आपको बढ़िया से। ये देखिए चालू करने का अलग विधि, ये देखिए सबसे कमाल की बात है कि देखिए मशीन चालू हो गया है और इसमें देखिए बिना मशीन बंद किए पटा लगा रहे हैं। ये देखिए पटा लगाने का काम कर रहे हैं, मशीन चालू है, मशीन बिना बंद किए पटा लगा रहे हैं। तो इसको गौर से देखें, देखिए ये भाई पटा लगा चुके हैं, अब वो देखिए बड़ा वाला पटा लगा, फिर भी पटा छूट गया, अब वो बड़ा पटा लगा रहे हैं उसको देखिए। ये पटा लगा दिए हैं और देखिए पटा लगाते के साथ यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया है, अब वो देखिए बड़ा वाला पटा लगा रहे हैं, वो भी बड़ा वाला पटा लगा दिए, यानी कि मशीन चालू है और चालू रास्ते के साथ ही पटा लगा दिए हैं, अब इसमें कार्य शुरू हो गया चालू। अब देखिए यहाँ पे पानी कैसे गिर रहा है, इस प्रकार का मशीन का व्यवस्था बनाया गया है। ये देखिए इस प्रकार से मिट्टी को कोड़ रहा है, आप प्रश्न करेंगे आप ये पानी कहाँ से आ गया, तो पानी देखिए भैया वो मशीन से जा रहा है और वहाँ से फिर रिटर्न होकर इस मशीन से आ रहा है, यानी कि लगातार मिट्टी कोड़ा रहा है। इसको कहा जाता है कि मशीन का सिस्टम, और देखिए किस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है, अच्छा खासा कोड़ा रहा है। यहाँ से पानी देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसके नीचे जा रहा है देखिए यहाँ, और इस मशीन के माध्यम से जो
नीला वाला मशीन है उसके माध्यम से फिर से मशीन में वापस पानी आ जा रहा है, यानी कि उतना ही पानी में दोनों काम हो जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी है यहाँ का, देखिए आज का देखे तो। और मशीन का अगला पार्ट देखिए इस प्रकार से घूम रहा है। ये रहा इस प्रकार का। और देखिए यहाँ का आपको नज़ारा दिखाऊं तो बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरत जगह है। और ये जैसे दिखाई दे रहा है बाढ़ के कारण जो पानी हुआ था आज के लॉकडाउन होने से 2 साल पहले, यानी कि 4-5 साल पहले जो पानी आया था उसमें ये पुल टूट गया था, पूरी तरह से टूट गया था। बहुत मतलब भारी बारिश हुआ था इसके कारण परेशानी हुआ था, स्कूल को टूट गया था। तो आज स्कूल में फिर से कार्य शुरू हो गया है। तो चलिए बहुत खुशी की बात है कि इस गांव का ये पुल बन जाने से जो रास्ता बंद था वो रास्ता चालू हो जाएगा। तो यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। मैं DS बाबू ब्लॉग आपका स्वागत करता हूँ।